उसे कंप्लीट कर लीजिए बच्चों, कम ऑन प्लीज कंप्लीट इट, कंप्लीट करके मुझे बताना है तुम लोगों को। क्या कहो सर, बहुत पढ़ाई कर रहे हो बेटा, है ना, नीचे उठ गए हो क्या, सुनाई नहीं दे रहा है। चलो ठीक है, ओके, चलो बच्चों अच्छी पढ़ाई करो, चलो चलो गुड गुड। कैसे हो आकांक्षा, हाउ आर यू बेटा, कैसे हो बेटा, मस्त। हेलो अंशुजा, कैसे हो बेटा, पढ़ाई कर रहे हो, पीछे सब बुक्स ही बुक्स दिख रही है तुम्हारी, मतलब बहुत पढ़ाई चल रही है बेटा। हेलो चिन्मय, हाउ आर यू, हाउ इज योर हेल्थ, चिन्मय हाउ इज योर हेल्थ, आपकी हेल्थ कैसी है बेटा अभी बेटा, चलो गुड, फाइन, वेरी गुड। मिस्टर संयोग, मिस्टर संयोग कैसे हो, अच्छा हो, अच्छा बाल बाल कटाए नहीं किया, हेयर स्टाइल तो बड़ी अच्छी कर ली तुमने। वैष्णवी कैसे हो, वैष्णवी रारी, वैष्णवी वैष्णवी को सुनाई नहीं दे रहा है, चलो मुझे जल्दी से कंप्लीट करो। ये शांभवी, आई कैन सी दैट वन, वेरी गुड, वेरी गुड शांभवी, वेरी गुड, यस आई कैन सी दैट वन, यस। चलो कंप्लीट करो बिना देखे हुए, हमको ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्या, आई एम गोइंग टू चेंज इट। हाँ कौसर, यस आई कैन सी, दोनों के दोनों लिखना है बेटा, बोथ 25-25%, हाँ ओके ओके ओके, ठीक है बेटा, ठीक है ओके डन, ठीक है बेटा कौसर, ओके डन। चलो अंशुजा और चिन्मय जल्दी से फिनिश रेड आउट करो, दूसरा टॉपिक स्टार्ट करना है। ओके चिन्मय, यस आई कैन सी दैट वन, यस ओके डन चिन्मय, ओके डन, ओके गुड, ओके आई कैन सी दैट, ओके मंजरी या शो मी, ओके बेटा, ओके 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 आई हैव सीन दैट, ओके चलो नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच ऑन करते हैं। हाँ बच्चों, मैं कल के क्लास में तुम लोगों को ये क्वेश्चन पूछूंगी, सो आप ट्राई आउट करना, बहुत इजी है, और मैं बता रही हूँ गाइस, इस साल पेपर में आपको इसी तरह से क्वेश्चंस आएंगे, मतलब तुम्हारा लॉजिक पूछेंगे कि लाइक मैं ऐसे क्वेश्चंस तैयार करके रख रही हूँ कलर ब्लाइंड्स और हीमोफिलिया पे, ढेर सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में आपको दे दूंगी, और वो ना आप लोगों को सॉल्व करनी है, तो लाइक लॉजिकल क्वेश्चन, सिर्फ थ्योरी लिखने से क्या समझना चाहिए, अप्लाई करते आना चाहिए। अभी विल स्विच टू द अनदर टॉपिक एंड इट्स अ सेक्स डिटरमिनेशन, ऐसे क्वेश्चन कलर ब्लाइंडनेस। हाँ बेटा, हाँ कौशल या काम पूछो बेटा, पूछो कौशल पूछो, मैंने आपको अनम्यूट कर लिया, बोलो
स्पीक बेटा कौशल, आपने फादर यस मैम बोलो यस मैम पूरी थी मैम रमेश के फादर इन्फेक्टेड है ना, रमेश तो नॉर्मल है तो फिर उसमें तो स्मॉल एच आएगा ना, तो लेकिन यहाँ पे अगर हम डाइजेस्ट में भी देखें तो भी वहाँ पे कैपिटल एच दिया हुआ है, तो रमेश तो नॉर्मल है तो वहाँ पे स्मॉल एच आना चाहिए ना, अगर एक कैपिटल एच आ गया मतलब रमेश भी हीमोफिलिक हो गया ना। तो एक्चुअली रमेश रमेश कैसा है, नॉर्मल बताया ना, फिर से दोहराओ। एक काम करते कौशल कौशल, ये क्वेश्चंस और ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस हम कल के क्लास में डिस्कस करें बेटा, है ना? मैम कोई बात नहीं। हाँ, स्मॉल एच रिस्पॉन्सिबल होता है, पर ऐसे और इसी तरह से ढेर सारे क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन की हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलो बच्चों अभी सेक्स डिटरमिनेशन, कल मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। सेक्स डिटरमिनेशन में जैसे कि हम बात करते बच्चों, सेक्स डिटरमिनेशन मतलब द मैकेनिज्म बाय विच सेक्स इज एस्टैब्लिश्ड इज टर्म एज अ सेक्स डिटरमिनेशन। जैसे कि बच्चों ह्यूमन में बहुत क्रिस्टल क्लियर है बच्चों, ह्यूमन में जैसे हमारे बॉडी में एक्स और वाई ये दो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, बट इसमें से एक्स सेक्स जेंडर डिटरमाइन करता है क्या? नहीं, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम मेल में भी होता है क्योंकि फीमेल एक्स सेक्स होती है और फीमेल में भी होता है, सॉरी फीमेल एक्सेस होती है और मेल एक्सेस। हो यहाँ पे ना बच्चों एक्स क्रोमोसोम हमारा जेंडर डिटरमाइन करने वाला क्रोमोसोम नहीं है, तो हमारा जेंडर जो डिटरमाइन करता है गाइस वो है वाई क्रोमोसोम। वो कौन सा क्रोमोसोम है गाइस? वाई क्रोमोसोम। सो यहाँ पे द वाई क्रोमोसोम हु डिटरमाइंस द जेंडर, इट्स नॉट द एक्स क्रोमोसोम हु डिटरमाइंस द जेंडर, ठीक है? तो ऐसा कैसे, लेट्स स्टडी दैट। जैसे कि आई वांट टू शो यू हियर डायरेक्टली, देखो मेल है फीमेल है, मेल में गमिट्स बनेंगे फीमेल है। अभी देखो मेल में एक्स जब भी गमिट्स बनेंगे तो हमें पता है हमारा क्रोमोसोम नंबर कितना है बच्चों, 46। इस 46 स्प्लिट होंगे, आपको मैंने पढ़े से पहले ही बताया बच्चों इसमें 24 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं, मतलब इसमें 44 ऑटोसोम्स है प्लस आएगा एक्स और वाई क्रोमोसोम, है ना? तो बच्चों एक्स इसके तो गमिट्स बनेंगे, जैसे कि आई विल शो यू वेयर टू शो यू गाइस, बच्चों अभी देखो जब भी गमिट्स बनेंगे ना इस मेल में, सो 22 प्लस एक्स एक ऐसा गमिट बनेगा और दूसरा गमिट बनेगा 22 प्लस वाई, ठीक है? ये हमारा जीनोटाइप, ये इस तरह से क्रोमोसोम होते हैं। जब भी गमिट्स बनेंगे तो गमिट्स में एक में 22 प्लस एक्स आएगा और दूसरे मेल गमिट में 22 प्लस वाई, यहाँ पे भी फीमेल में भी वैसा ही होगा 22 प्लस एक्स प्लस 22 प्लस वाई। यहाँ पे 22 नहीं दिखाया है, इनविजिबल रहता है, सिर्फ हम बात कर रहे हैं एक्स और वाई एक्सिस, तो हम देखेंगे ना बच्चों यहाँ पे एक्स और वाई है, तो ये एक्स गमिट दूसरा वाई गमिट, एक्स गमिट वाई गमिट, फर्टिलाइजेशन हुआ गमिट्स का, कोई भी गमिट्स का फर्टिलाइजेशन हो सकता है, चांसेस है एक तो डॉटर होगी नहीं तो 50-50% चांसेस है, एक तो डॉटर होगी नहीं तो सन होगा। सो देखो हमने एक चेकरबोर्ड बनाया, एक में एक्स लिखा एक में वाई लिखा, इधर भी एक्स एक्स लिखा, तो हम देखेंगे चेकरबोर्ड में एक तो एक्स एक्स बनेगी दूसरा एक्स वाई एक्स 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 वाई, पूरा देखेंगे तो 50% चांसेस होते हैं मेल के, 50% चांसेस है फीमेल के, पर एबनॉर्मेलिटीज भी होती है लोगों में, सिंड्रोम्स होते हैं ना, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम्स वगैरह, जहाँ पे थर्ड जेंडर जिसे कहते हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी बाद में। ऐसे भी लोग बॉर्न होते हैं जिसे अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने
मान्यता दी है थर्ड जेंडर की. एनीवेज दैट थिंग आई विल डिस्कस लेटर ऑन. बट नॉर्मली ह्यूमन बीइंग में दो ही चांसेस है, एक तो मेल बॉर्न होगा नहीं तो फीमेल, और दोनों के 50-50% चांसेस. क्लियर? तो पढ़ते जाएंगे बच्चों इसको. Guys, do one thing. आप इन्हें लिख लीजिए. आई एम फीलिंग लिटिल बिट ऑफ लो. आप एक काम करिए, ये और ये यहाँ पे मेल और फीमेल की पिक्चर ड्रॉ मत करिए. ऊपर में लिखो सेक्स डिटर्मिनेशन इन मेल ह्यूमन बीइंग, और यहाँ पे मेल लिखो, यहाँ पे फीमेल, और ऐसा फ्लो चार्ट बनाओ जैसा आपके डाइजेस्ट में दिया होगा ना वैसा. पिक्चर्स नहीं बनानी, और जस्ट मेक इट आउट एक बार वंस. कल की क्लास से सब जाते हैं, ठीक है? जस्ट डू इट. श्योर बच्चों? रेज योर थंब. इज इट ओके फॉर यू पीपल? Good. Yes, I can see Shambhavi, that one. Okay, wait a minute. I want to see that. Yes, Shambhavi. Yes, very good. It's so simple thing. Yes. I can see that one also. Yes, Manjari. Okay, good. Shambhavi, good. Anshuja, show me, beta. Yes, beta. Okay. Okay, very nice. Kausar, yes, very nice. So, बिल्कुल ध्यान में रखना है बच्चों कि human being में gender determine करने वाला हमेशा male chromosome रहेगा, and that's going to be a Y. और हमेशा male में 50% chances है male के और 50% chances है female के, ठीक है? तो लॉजिकल क्वेश्चन आएंगे, इसके ऊपर भी बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं. तो ये क्वेश्चन हम सभी क्वेश्चन को कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है बच्चों? अभी के लिए थैंक यू. आप लीव कर सकते हो मीटिंग, बिकॉज मेरी वन साइड रिकॉर्डिंग चल रही है. यू कैन लीव द मीटिंग गाइस. सी यू टुमारो.